हाय फ्रेंड्स, मैं रविंद्र शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर लैब पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पौरुष जीवन कैप्सूल के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप पौरुष जीवन कैप्सूल का उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग कैसे करना है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। इसके अतिरिक्त आपको बताया जाएगा कि इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तथा बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं तो बताते हैं कि इसको दवा को लेने के बाद वो मोटे तो हो जाते हैं, उनके गाल फूल जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, दिखने में आकर्षक भी लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका वजन फिर से डिक्रीज होने लगता है, यानी कम होने लगता है। तो ऐसा क्या करें ताकि आपका वजन फिर से कम ना हो तथा आपका शरीर इसको लेने के बाद आकर्षक, शक्तिशाली तथा बलवान लगे, देखने में आप हैंडसम लगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण तथा सटीक जानकारी मिल सके पौरुष जीवन के बारे में। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पौरुष जीवन कैप्सूल को आपके हेल्थ को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसे देव फार्मेसी नामक कंपनी बनाती तथा बेचती है। अगर इसका MRP का बात किया जाए तो 210 रुपये है एक डब्बे का, जिसमें 60 कैप्सूल्स आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, यह किस प्रकार से आपके शरीर को बेहतर बनाता है ताकि आप मोटे हो सकें तथा मजबूत हो सके, आकर्षक बन सके, तथा इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटी मिलाई गई है, कौन कौन सी औषधि मिलाई गई है। यह एक कम्प्लीटली आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसमें केवल जड़ी बूटियों का ही प्रयोग किया गया है इसको बनाने में के लिए। अगर बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः सतवारी, आंवला, सफेद मुसली, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सारी जड़ी बूटी इसमें मिलाई गई है। अगर हम बात करें कि यह कैसे काम करता है, तो यह सबसे पहले जब आप इसको लेना चालू करते हैं तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, यानी आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है, जिससे क्या होता है कि जब आप इस टेबलेट को लेते हैं तो आपका पाचन क्रिया में सुधार होता है और आपका खाना सही ढंग से पचता है। खाना खाने के बाद वो पेट में खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, उसका उपयोग होता है, वो एनर्जी में तब्दील होता है और आपका शरीर धीरे धीरे मोटा होने लगता है। इसके अतिरिक्त यह आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है तथा इसमें बहुत सारी औषधि ऐसी मिलाई गई हैं जो कि आपके शरीर को मोटे होने में मदद करती हैं। यानी आप जब इस दवा को लेते हैं तो आप धीरे 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 मोटे होने लगते हैं। अगर बात किया जाए कि इसे कब तक लेना चाहिए तथा कैसे लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इसको आप अगर लगातार 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने लगता है, बशर्ते कि आप इसे उचित डोज मिले। अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज 2 टैबलेट डेली लेना चाहिए, 1 टैबलेट सुबह में और 1 टैबलेट शाम को। और जब भी इसको लें तो आफ्टर मील लें, यानी खाना खाने के बाद लें, और दूध के साथ लेंगे तो यह बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक बात और ख्याल रखना है, चूँकि यह एक दवा है इसलिए इसका असर बहुत लंबे समय तक बना नहीं रहता, फिर आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और आप फिर से दुबले होने लगते हैं, यही इसके साथ होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसके साथ साथ अपने डाइट में सुधार करना है। यानी कि आप क्या करें कि जब आप इस टेबलेट को ले रहे हों या फिर जब इसको लेने के बाद आप छोड़ दें, आपका शरीर ठीक हो गया, अगर छोड़ देते हैं तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना है, यानी वैसे फूड लेने हैं, वैसे खाना लेने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो तथा उसमें फैट का मात्रा कम हो। यानी आपको ऑयली चीज का प्रयोग कम करना है, जिसमें ज्यादा मात्रा में तेल का प्रयोग किया गया है उनको कम कर देना है, बिल्कुल ना के बराबर लेना है। आपको फैटी चीजों का प्रयोग कम कर देना है, यानी वैसे चीज जो फ्रोजन है, जो ऑयली है या जिनमें न्यूट्रिशंस कम है, वैसे पदार्थ को लेना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर धीरे 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 मोटा होना चालू हो जाएगा, आकर्षक होना चालू हो जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन इंस्टेंट फायदा के लिए जब आप इस टेबलेट लेते हैं तो आपको शुरुआती दिनों में काफी फायदा मिलता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो चूंकि यह आयुर्वेदिक औषधि है इसलिए इसके उतने साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए इस टेबलेट का, तो यह आपको कमजोरी को दूर करने का भी काम करता है, चूंकि इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन, यानी कि जो औषधि है वो मल्टीविटामिन टाइप औषधि है जो आपको शरीर को मोटा करने में तथा कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि जब भी आप इस टेबलेट को ले रहे हो या टेबलेट को छोड़ दें, ये हो, अगर आपको शरीर अपना ठीक रखना है, मोटा और मजबूत रखना है, तो आप अपने जीवन शैली में
हेल्दी डाइट का प्रयोग करें तथा एक्सरसाइज करें, जिससे आपके शरीर में ताकत, तंदुरुस्ती, आकर्षक तथा बलवान हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।